परिवार को धोखे दिए, उनकी सेवा नहीं किया। अगर मंदिर में आकर के भी अगर भजन नहीं करोगे, फिर भक्ति नहीं करोगे, फिर दूसरा व्यक्ति को अन्न खाओगे, विषय का अन्न खाओगे, फिर तो बड़ा गड़बड़ी। गुरुदेव कहते थे, हैं गुरुदेव कहते, फिर तो बड़ा गड़बड़ी। जिन जिनों का खा रहे हो, इतना भजन करो जैसे जिनका खा रहे हो। संसार में रहते तो कितना परिश्रम करना पड़ता है ना, कितने परिश्रम करके सारा दिन रात को एक करके फिर जाकर कहीं पैसा का रोजगार करते है ना, तभी जाकर आप पेट को पाल सकते। अगर आप मंदिर में आए, भजन नहीं किया, केवल दूसरा का अन्न अन्न खाए, फिर तो अगले जीवन में उसको घर में तुमको बैल भैंस बनकर जन्म लग और घोड़ा बनकर जन्म लेना पड़ेगा, वो तुमको सारे पैसा तुमसे कमाएंगे। हाँ, कहते दो गुरु भाई थे, गुरुदेव कहते दो गुरु भाई थे, दो गुरु भाई गए घूमने के लिए। अब साधुओं को तो सब गृहस्थ लोग बड़े आदर करते हैं, बड़े आदर करते हैं। तब तो एक कोई पैसा वाला किसी गृहस्थ घर में चले गए, जो घर में बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं। एक गुरु भाई ने बोले दो 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 दिन बाद बोले चलो यहाँ से। बोले कहाँ जाओगे, कहाँ भटकोगे, कहाँ पैसा मांगोगे, भिक्षा मांगोगे, देख रोज रोज कितने बैठ भर के छापान भोग मिल रहा है। बोले देख अगले जीवन में जिसका खा रहे ना, अगले जीवन में सुघर में बैल बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तेरे को बैल उनके इसी घर में तेरे को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम भजन नहीं करोगे। बोले बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है यहाँ पर, भजन नहीं करोगे तो उसका ऋणी बन अगले जीवन बैल बनना पड़ेगा। इसलिए चलो घर छोड़ो, या चलो भजन के लिए चलो, फिर यहाँ पर खाओगे और तुम सोओगे यहाँ पर। इसलिए गुरुदेव कहते थे नहीं, मंदिर में आकर के गुरु वैष्णव का सेवा, अपना नियमित पूर्वक हरिनाम, अपना कीर्तन भजन, इसको डट करके करनी चाहिए, नहीं तो उसका जिसका खा रहे हैं। इसलिए कभी कभी गृहस्थ तो भक्तों को श्रेष्ठ बताया। बोले क्यों? बोले तीन वर्ण को ये पालन करते हैं गृहस्थ, तो तीन वर्ण को पालन करते हैं, सन्यासी है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। ये तीनों को पालन करने वाले कौन है? ये गृहस्थ है। ये लोग तीनों वर्ण को पालन करते हैं, तीनों वर्ण को। इसलिए इसलिए इसी वजह से कहीं कहीं गृहस्थों को श्रेष्ठ धर्म माना गया, गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ मानी गई। लेकिन उसमें भी भजन करनी चाहिए है ना, भजन करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किया ना, ऐसे ऐसे नारद जी प्रश्न किए, बच्चों को प्रश्न किए। तो प्रश्न के बाद में बोले अभी घर में जाओ, अभी घर में जाओ। बोले गुरुदेव इतने अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर कोई घर में वापस जाते हैं? हम तो चाहते हैं आपका चरण में रहकर भजन करें। लेकिन बोले गुरुदेव, उन्होंने एक अच्छी बात बताई। बोले गुरुदेव ये सब ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये ज्ञान काम नहीं करता है, ये ज्ञान काम नहीं करती है जब तक कि किसी महान पुरुष की, किसी महान संतों का जब तक आशीर्वाद नहीं मिले, कहते ये तभी ये काम नहीं करता है, ये ज्ञान काम नहीं करता है। काम करता है भजन की, और संतों की गुरुवरों का आशीर्वाद काम करता है। इसलिए अजामिल ने बहुत ज्ञानी थी, लेकिन उन्होंने गंदी चीज देखा तो उसमें फंस गए, उसमें है कभी ज्ञान भी काम नहीं करती है जब तक गुरु वर्गों का आशीर्वाद, वैष्णव का आशीर्वाद नहीं हो। बोले तो गुरुदेव कृपा करो। तब तो नारद जी उनका सर के ऊपर हाथ रखे, और हाथ रखे तो बात सबके सब एक साथ में, सबके सब 10,000 चले एक साथ में। बोले वाह 10,000 चले। उसको बाद में दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, सारे बच्चों को सारे भीख मांगने वाले बना दिया है, अपना घर का ठिकाना नहीं, हमारे बच्चों को भी भीख मंगाने वाले बना दिया। फिर उन्हें 10,000 बच्चों को सृष्टि की फिर भेज दिया नारद, फिर वही प्रश्न किए उनको। इतने में तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। बोले बाबा बैठ बैठ कर खाते हो, दूसरों को बच्चों को बिगाड़ते हो, अभिशाप देता हो, तू एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं तू टीक नहीं सकते हो, अभिशाप दे दिया। इसलिए अभिशाप दिया थे, इसलिए नारद जी एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन नारद जी, उन्होंने तो अभिशाप दिया, लेकिन नारद जी के लिए अच्छा हो गया। बोले क्यों?